माननीय उपसभापति जी, पहले बैलेट पेपर से चुनाव होता था और बैलेट पेपर के चुनाव होने के बाद जब उसकी गिनती होती है तब एक दिन, दो दिन, तीन तीन दिन तक ये काम चलता था। लेकिन हमारे चुनाव आयोग ने जब ये वोटिंग मशीन से चुनाव होने लगा से, तब से सुबह से दोपहर तक तो रिजल्ट आ जाता है। तो पहले जो शिक्षकों की जो समय बर्बाद होता था, अब कम बर्बाद हो रहा है। और शिक्षकों के कारण ये क्या होता है कि बात सही है भाई, ये कुछ दिन छुट्टियों में ये बच्चों की पढ़ाई नहीं होती है, लेकिन पूरे विश्व में सबसे बड़ा ये लोकतांत्रिक देश है, तो शिक्षकों का ये उपयोग अभी मेरे हिसाब से जरूर है। इसका एक ही इलाज है, समय बचाना है, टाइम बचाना है और हिंदुस्तान की धनराशि बचाना है। तो हमारे प्रधानमंत्री ने जो आह्वान किया है, एक ही साथ चुनाव, लोकसभा के और हर स्टेट के विधानसभा के चुनाव एक ही साथ हो जाए, तो हिंदुस्तान के सभी कर्मचारियों का समय भी बचेगा और धनराशि भी बचेगी और अच्छी तरह से ये चुनाव हो सकता है। तो इसी तरह से मेरा ये कहना है कि अभी जो संशोधन में जो ये सुधार लाने की अभी कोई जरूरत नहीं है, इसलिए मैं उसको सपोर्ट नहीं करता हूँ। थैंक यू।